नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन राष्ट्रीय अधिवेशन आप देख सकते हैं 10 दिन का कोटा शहर में हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे प्रांत प्रांत से यहाँ पे किन्नर समुदाय के प्रमुख लोग यहाँ पे मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं ममता नायक जी से और जानते हैं आखिरकार इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और इस सम्मेलन में यहाँ पे प्रांत प्रांत से जो किन्नर आए हुए हैं एक ही पंडाल के नीचे आप देख सकते हैं 1 से 1.5 हजार यहाँ पे किन्नर समुदाय के लोग मौजूद है। सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कार्यक्रम सम्मेलन की जानकारी। स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा नाम ममता भाई किन्नर गद्दीपति कोटा की हूँ जी, और ये सम्मेलन कर रही हूँ मैं रामलला के उत्सव से जी, उत्सव मना रहे हैं जी। और पहले शुरुआत तो अपना कुंभ कलश से हुआ है और आज 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, सम्मेलन चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे आपके समुदाय के लोग मौजूद हैं? हमारे भोपाल से हैं और गोंडवाने से हैं, मालवा से हैं, एमपी से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के, कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, पूना, हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान के किन्नर मौजूद हैं। जहाँ पे हमारे उत्सव मनाया जाता है, परंपरा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं, इसलिए हम ये उत्सव मनाए रहे हैं। ये शांति मान जी कौन है? मेरे गुरु जी थे जी। गुरु जी के उत्सव में हम ये किन्नर सम्मेलन रखा हुआ है आयोजन, इसलिए जनता की दुआओं के लिए, जनता की भावना के लिए पूजा भवन होंगे। 10 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम चलेंगे, जनता में काफी उत्सुकता है। आखिरकार 10 दिन तक कोटा शहर में इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है जहाँ पे 1.5 हजार किन्नर समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद है। जनता भी जानना चाहेगी कि किस प्रकार से क्या क्या प्रत्येक दिन सम्मेलन के अंदर कार्यक्रम होने वाले हैं। किन्नरों के सम्मेलन के उत्साह तो यही है कि हमारे पूजा हवन होगी, जो परंपरा से रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो ही होंगे, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नाच गाने भी होंगे और मायरे भी भरे जाएंगे। जो मेरी बहन बनी है, बहन भी बनेंगी, रिश्तेदारी भी बनेंगे। ये एक सम्मेलन है, जैसे साज सजावट हो रही है, सज्जा हो रही है, तो क्या शादी समारोह है? नहीं, शादी समारोह नहीं हमारे नहीं तो ये जनता के लिए, बुजुर्गों की दुआओं के लिए, बच्चे वालों के बच्चे जिए, है ना। हम उनकी खुशी के लिए, हमारी खुशी, जनता की खुशी है, मेरे देशवासियों की खुशी है, हमारी खुशी है। हम तो यही आशा करते हैं कि बच्चे जिजमान के, हमारे बच्चे जिए, हमारे पेट के लिए वो रोटी देते हैं, उनके बच्चों की दुआएं के लिए हम आशीष करते हैं। बिल्कुल, आपने समाज सेवी को बाहर से भी किसी को बुलाया है कि सम्मेलन में इन्वाइट किया है, किसी को आमंत्रण दिया है क्या? जी, सबको, SP साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है। और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा आएंगे, हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी प्रशासन लगा रहा, पुलिस प्रशासन भी रखा है, पूरा बहुत बहुत सहयोग मिला है हमारे, सहयोग मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगी कोटा शहर की जनता से, क्या बोलना चाहेंगी? जनता, कोटा शहर की जनता का खुशहाल रहे, खुशहाल रहे, बच्चे जीते रहे, खूब तरक्की दे में, पढ़ाई में, रोजी रोटी में, उनकी, हमारे किन्नरों को आशीर्वाद से फलो फूलो खूब। समाज का कैसा योगदान देख रही हैं आपके सम्मेलन में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, समाज हमारे साथ बहुत खुश रहे, बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे जिजमान जीते रहे, हम खूब फले फूले। आप कैसी खुशी महसूस कर रही हैं? हमें, हम तो देखो जनता की खुशी के लिए हमारी खुशी है, जनता की खुशी होने चाहिए, उनके बच्चों की खुशी, हमें बहुत खुशी है कि पूरे हिंदुस्तान आए हमारे लिए और जनता हमारे लिए बहुत उत्साह कर रही है। और बहुत सारे हमारे, 27 तारीख को बड़ा जुलूस भी है, उसमें कलश यात्रा निकलेगी, उसमें नगरवासियों को और हमारे तरफ से 1.25 किलो को घंटा चढ़ेगा चांदी का जी, और 1176 और 11 किलो का पीतल का घंटा चढ़ेगा मंदिर में। ये पारंपरिक, ये जो विधाएं हैं पारंपरिक चलती हुई आ रही है? हाँ, पुरानी चलती आ रही रीति रिवाज, शुरू सदियों से ही, 1400 साल से चली आ रही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम शेफाली भाई है। कहाँ से हैं? मैं भी कोटा राजस्थान से ही हूँ, शिवपुरा से जी। और ये हमारे जो गुरुजी है, ये हमारे पूरे कोटा की मुखिया है, जो हमारे कोटा में जितने सारे रहते हैं उनके सबकी मुखिया है। ये हमारी जो पुरानी 7 पीढ़ी की हवेली है, उस हवेली की गद्दीपति है ये, और हम, इन्होंने सम्मेलन का आयोजन करा हुआ है यहाँ पे, इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं 10 दिन तक। यहाँ पे बाहर से काफी समुदाय के लोग, समाज के लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, कैसे व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाने के लिए क्या कर रही हैं आप? सारे समाज के लोग आए हुए हैं और व्यवस्था में हम लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। और हमारे जो जजमान हैं, हमारे अगल बगल के जो
पंडाल के अगल बगल के भी हैं, सब हमारे अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। और हमारे राजस्थान पुलिस अपने कोटा के एसपी साहब ने भी हमें खूब सपोर्ट रखा है। अभी जो हमारे जुलूस निकला है चाक पूजने हम गए थे, उसमें भी हमारे को खूब सीआई साहब का सपोर्ट था, खूब सारे हमारे साथ। क्या लगता है कि समाज की सोच में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? कहाँ एक वक्त था जहाँ पे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जज भी हैं, ज्योति मंडल हैं, जो सबसे पहले किन्नर समाज की समुदाय की जज भी हैं। मैं भी पार्षद राउत भट्टा से चेयरमैन पार्षद रह चुकी हूँ, निर्दलीय जीती हूँ और चेयरमैन भी बनी हुई, पूर्व 5 साल चेयरमैन भी रह चुकी हूँ। क्या बात है, क्या लगता है, कैसा चुनाव भी लड़ी हूँ मैं? अच्छा, हाँ जी बिल्कुल जी। निर्दलीय लड़ी मैं तीनों चुनाव और जीती हैं आप? जीती, दो चुनाव जीती हो। क्या कहना चाहोगी अक्षय कुमार जैसे, सुष्मिता सेन जैसे एक्ट्रेस हैं जो इस समुदाय के लिए एक्टिंग करी उन्होंने, फिल्में जैसे देख सकते हैं आयना होती है समाज की, और बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने खुद किन्नर बन के समाज को एक मैसेज दिया? जब इस प्रकार से पिक्चरों को देखती हैं तो कैसा खुद में महसूस करती हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? रही बात फिल्म की, तो देखो फिल्म तो एक दुनिया है जी, उसमें तो इंसान जैसे चाहे वैसे कर सकता है। नहीं लेकिन, और प्लस ये बात और एक ये है कि हाँ कुछ जगह वो अपनी रियलिटी भी दिखाते हैं हमारे लिए, और कुछ जगह वो मनोरंजन करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ डाल देते हैं, दोनों तरफ का होता है। कोई कोई चीज़ उन लोग ऐसे लेते हैं कि जिससे हमारे समाज के लिए एक वो भी होती है, और उनके लिए जो फिल्म स्टार जो होते हैं वो भी खूब अच्छा सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी ताली, जी बिल्कुल, हाँ, ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, हाँ, जो हमारी गौरी सावंत जी है, हमारे बॉम्बे की है जी, है ना, उनके ऊपर ये फिल्म बनाई हुई थी, और उनके वो उनके गुरु और वो भी यहाँ पे आने की वो भी संभावना है, वो भी आ सकते हैं। और जो एक फिल्म और बनी है शबनम मौसी जी, है ना, वो शबनम मौसी भी यहाँ पे आएंगी, वो भी आएंगी, आएंगी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आएंगी, जिन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल प्ले किया है, हाँ, शबनम मौसी, नहीं नहीं आशुतोष राणा ने, जी 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 बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल जी, क्या बात है, बिल्कुल। कैसा संघर्ष रहा आपके जीवन का, ये भी जानना चाहेंगे, दो बार आप चुनाव जीती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं तो जनता का आशीर्वाद था, मैं कोई चुनाव नहीं जीती हूँ।